बावलोग फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 4 जादुई पिटारा था। इतने अनसॉल्व थ्योरी छोड़कर गया है, इतने क्ल्यू छोड़कर गया है जिनका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो मैंने डिकोड किया है। इसी के साथ बाबा एंडिंग माइंड ब्लोइंग थी, तो आज लास्ट एपिसोड की ढेर सारी हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, साथ में एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे जो फ्यूचर की स्टोरी को समझने के लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी अभी एपिसोड 5 के एक प्रोमो भी आया है जो क्लियर एंड कट सॉलिड सॉल्यूशन भी डिलीवर कर रहा है, तो अभी फुल ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन बाबा आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, तुम चाहते हो ना कि मैं ऐसी ब्रेकडाउन थ्योरीज लाते रहूं, तो यार लाइक एंड सपोर्ट बनाए रखो, बाकी नए लोग सब्सक्राइब करो, बहुत मजा आने वाला है, डेफिनेटली ट्रस्ट मी। बाबा शुरुआत फोन कॉल से करेंगे जो भले बड़ी आम चीज लग रही है, लेकिन फोन कॉल का आना और वार्निंग देना कि टैबिथा डेंजर में है किसी एम्बुलेंस में, साथ ही एम्बुलेंस भी टाउन पर अराइव कर जाती है कुछ टाइम बाद। वी डोंट नो कि कॉल की दूसरी तरफ कौन है, लेकिन ये जो भी है ये एक्चुअली हेल्प कर रहा है। फिलहाल दो यूनिवर्स पर कहानी चल रही है, एक जिसमें ये सब फंस चुके हैं, दूसरा रियल वाली जहां से टैबिथा वापस आ चुकी है। तो ये थॉमस जो खुद को जिम और टैबिथा का बच्चा बता रहा है, इन दोनों यूनिवर्स की बजाय मे बी थर्ड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो, मे बी, जिसे ये लोग मरा हुआ समझ रहे हैं, और मे बी वहां विक्टर की माँ भी जिंदा हो, मे बी। बाबा मेरे हिसाब से यही ये टाइम कोलैप्सिंग कॉल हो सकती है, क्योंकि जिस टाउन में वो फंसे हैं वहां सबके फोन डेड हैं, तो सिर्फ जिम के घर का ही फोन क्यों चल रहा है? फ्यूचर टाइम कनेक्शन हो सकता है, बाबा देखते हैं एपिसोड 5 में क्या मिल सकता है इसको लेकर। लेकिन टाउन में प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, तो सॉल्यूशन के रूप में भी ये कॉल वाकई हीलर का काम कर सकता है। बट दिक्कत ये हो गई है कि अपने जिम भाई ने फोन को तोड़ दिया है, तो क्या अब भी मदद मिल पाएगी, देखते हैं एपिसोड 5 में। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दो सॉलिड थ्रेट हमारे सामने मौजूद दिख रहे हैं। थ्रेट नंबर 1 यानी फातिमा, बाबा ये जीती जागती नरभक्षी बन चुकी है। निकी का ब्लड टेस्ट इसे पसंद आ रहा है, वो उंगली डालकर खा रही है उसे, जो हो ना हो ये प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है। ये जो कर्स्ड प्लेस है और जो न्यू लाइफ आने वाली है इस दुनिया में यानी फातिमा के पेट से, ये कोई न्यू इवॉल्विंग क्रिएचर हो सकता है जो खुद तो करप्ट है ही है और फातिमा को भी डे बाई डे करप्ट करते जा रहे हैं। मे बी इस क्रिएचर वर्ल्ड में फातिमा हमें फर्स्ट जॉम्बी बनते नजर आए, बिल्कुल ऑर्गेनिक जॉम्बी। अगर उसने इस प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस नहीं किया तो बात आगे खराब हो सकती है, क्योंकि उसे बताना चाहिए ये प्रॉब्लम और लोगों को, बट वो छुपा के इसका मजा ले रही है। बाबा ये बिग थ्रेट हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मेरी नज़र में ये जो क्रिएचर प्रॉब्लम है वो फातिमा को एज होस्ट समझ के नया इवोल्यूशन ढूंढ रही है और वो शायद उसे मिलते जा रहे हैं। जस्ट लाइक वैनम मूवी, जो एडी को कंट्रोल अपने हिसाब से करता है और उसे कन्वर्ट भी करता है, करप्ट भी करता है, खासकर खाने पीने में, वैसा ही सेम फातिमा के साथ भी देखने को मिल रहा है। देखते हैं 5th एपिसोड में क्या देखने को मिलता है इसमें। लेकिन थ्रेट नंबर 2 जो सबसे बड़ा थ्रेट दिख रहा है फिलहाल के लिए, वो है रैंडल, क्योंकि उसे क्रिएचर ने मारा नहीं है, ऐसा लग रहा है उसे कन्वर्ट किया है, करप्ट किया है, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल क्रिएचर हैं वो उस जादुई पत्थर की वजह से घर में एंट्री तो नहीं ले सकते, तो मे बी रैंडल इसका तोड़ हो सकता है उनके लिए, क्योंकि जब क्रिएचर ने रैंडल को मारा तो उसके पास वो जादुई पत्थर नहीं था। लेकिन हमें ये भी देखा कि उसका असर नहीं हुआ फिलहाल के लिए उस टाइम पर जो रैंडल के पास था पत्थर, हो सकता है खुले इलाके में वो पत्थर का पावर वर्क ना करता हो, क्रिएचर ने रैंडल को कन्वर्ट करने के लिए शायद उस पत्थर का भी इस्तेमाल करा हो जो इवोल्यूटेड न्यू क्रिएचर बना दिया हो उन्होंने अपने फायदे के लिए, जस्ट लाइक ज़ॉम्बी, आधा मरा आधा जिंदा। बाबा इस पार्ट को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं कि ये आखिरी टाउन वालों को घोड़ी कैसे बनाने वाला है, क्योंकि रैंडल पहले ही अग्रेसिव बिहेवियर का है और ये न्यू पावर उसे और भी जंगली बनाएगी डेफिनेटली। इसी के साथ हेनरी को बार-बार एक मुर्दा दिखाई दे रहा है जो उससे मदद की पुकार कर रहा है, तो बाबा हेनरी बहुत सॉलिड रोल होने वाला इन फ्यूचर, क्योंकि वो मुर्दा फिलहाल थ्रेट तो नहीं लग रहा है। थ्रेट होता तो अब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता था, बल्कि शायद हेल्पफुल साबित हो सकता है इस जगह को समझने के लिए, ब्रेकडाउन करने के लिए, जिसकी सख्त जरूरत भी है, क्योंकि थ्रेट बहुत बढ़ चुके हैं और मेकर का ये सॉलिड मूव हो सकता है जो कुछ क्ल्यू आगे एपिसोड में हमें छोड़ के जा सकते हैं, देखते हैं बाबा। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है, ये जो मुर्दा लेडी है वो कहीं विक्टर की मां तो नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट सेइंग। इसके बाद मेन पार्ट, टैबिथा जो वापस आ गई है तो उसके पास रास्ता तो है ही इस टाउन से बाहर निकलने का, जो उसने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। और प्रोमो में भी टैबिथा ये कहते नजर आ रही कि ट्री रास्ते से हमें निकलना चाहिए, इस कर्स्ड प्लेस से, इस कर्स्ड टाउन से बाहर। बट फिलहाल जिम एंड बॉयड मना कर रहे हैं दिन में भी बाहर निकलने से, तो बाबा कुछ तो नया थ्रेट इंट्रोड्यूस हुआ है उस रात जिस रात रैंडल भी मरा है, जिसके सीधा सीधा इशारा मेरे हिसाब से रैंडल पर ही जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ प्रोमो जेड एंड टैबिथा उस ट्री पर पहुंचते नजर भी आए हैं, तो वह एपिसोड 5 में पता लगेगा कि सिर्फ वही दोनों आए हैं या बाकी लोग भी आए। देखो रास्ता तो है इनके पास बाहर निकलने का, लेकिन क्या ये जगह इतनी आसानी से इन लोगों को इस टाउन से बाहर निकलने देगी?
आई डोंट थिंक सो। अब बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, विक्टर का चाइल्डहुड एंड विक्टर का अगेन डिस्कशन करना क्रिस्टोफर उसकी मिस्टीरियस डॉल जैस्पर के बारे में, जो इस बार एट द एंड जैस्पर को क्रिस्टोफर से बात करते हुए भी देखा विक्टर ने। लास्ट टाइम जैस्पर को हमने सीजन 2 के एंडिंग में टनल में देखा था जब जेड भी वहां मौजूद था, एंड अगेन इस एपिसोड में फिर से दिखाया गया है इसे, जहां विक्टर का सीधा कहना यह है कि क्रिस्टोफर ने ही सबको मारा है, बट क्यों? और इसका आंसर सिर्फ जैस्पर ही दे सकता है विक्टर के हिसाब से, क्योंकि विक्टर के साथ साथ जैस्पर ही लास्ट सर्वाइविंग थिंग है। हालांकि वो डॉल है, लेकिन विक्टर ने क्रिस्टोफर से उसे बात करते भी देखा है एट द एंड। तो बाबा, अगर थ्रेट आ रहे हैं टाउन में लाइक फातिमा एंड रैंडल, तो सॉल्यूशन भी काफ़ी दिख रहे हैं, लाइक टैबिथा का वापस आना, वो फोन कॉल से वार्निंग आना, हेनरी का वो मुर्दा लेडी से बात करना और उसे दिखना, सॉरी सिर्फ दिखना, विक्टर का जैस्पर को एकमात्र क्ल्यू देखना। तो देखते हैं बाबा एपिसोड 5 हमारे लिए क्या क्या लेकर आता है। वेट करते हैं, 20 अक्टूबर को एपिसोड 5 हमें मिल जाएगा। बाकी आपने भी इस एपिसोड को देखा है तो आपके हिसाब से और क्या क्ल्यू निकले हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। कुछ और क्ल्यू में भी छूट रहे हैं तो वो भी बताना, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, बहुत टाइम है 20 अक्टूबर आने तक। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।